आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अब ये सड़क के माध्यम से वैशाली के चक सिकंदर स्थित ये कॉलेज है। अभी ये कॉलेज का आप फ्रंट जो बिल्डिंग देख रहे हैं रोड से वो देख रहे हैं, ये वॉयज हॉस्टल आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके जस्ट सामने फैकल्टी बिल्डिंग है, उसके जस्ट बगल में गर्ल्स हॉस्टल है। ये अब हम एंट्रिंग कर रहे हैं रोड से और चल रहे हैं आप लोग के साथ। देखते रहिए राजकीय अभियंतर महाविद्यालय वैशाली का ऑल ओवर अंदर का सारा जितना व्यवस्था है वो आपको नजर आएगा। इस वक्त आपके सामने राजकीय अभियंतर महाविद्यालय वैशाली के अंदर हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं और आप यहाँ पे जब एंट्री करेंगे कॉलेज का ऑल ओवर, और ये यहाँ से वॉयज हॉस्टल का गार्ड रूम है, ये इधर वॉयज हॉस्टल है, ये पूरा पूरा वॉयज हॉस्टल है। ये लगभग इसमें से 300 के आसपास छात्र रह सकते हैं। ये गार्ड सेक्शन है, यहाँ आप लोग जैसे ही आप लोग को अटेंडेंस बनाना पड़ता है। और ये जस्ट इसके सामने वॉलीबॉल का कुछ छोटा सा ग्राउंड है वॉयज हॉस्टल के पास। उधर जो वॉयज हॉस्टल है बहुत बड़ा अच्छा खासा बिल्डिंग है, यहाँ पे खेलते हैं शाम को छात्र बन कुछ जी जी जी। और ये अभी हम चल रहे हैं कॉलेज के और चल रहे हैं कॉलेज के आते। ये फैकल्टी बिल्डिंग है, फैकल्टी बिल्डिंग के हमारे पीछे फैकल्टी बिल्डिंग नज़र आ रहा है। इसमें जितने भी क्वालिफाइड फैकल्टीज होते हैं BPSC के, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स होते हैं वो इसमें रहते हैं, और उसके अलावा कॉलेज में जितने स्टाफ्स हैं उसको यहाँ से दिया जाता है। ये आपके जस्ट सामने ये जो मेरी हाथ जा रही है ये प्रिंसिपल्स चैम्बर हुआ, ये प्रिंसिपल्स का अपना आवास हुआ। राजकीय अभियंतर महाविद्यालय वैशाली के अभी प्राचार्य डॉक्टर अनंत कुमार सर हैं, ये उनका चैम्बर हुआ। इस वक्त हम प्रिंसिपल आवास के बाहर हैं, ये प्रिंसिपल सर का चैम्बर हुआ। ये प्रिंसिपल सर यहीं अपने संस्थान से निकलने के बाद यहाँ वो आके आराम करते हैं। अगर उन्हें रहना होता है तो यही उनका रात्रि विश्राम का जगह होता है। जस्ट यहाँ से आप दिखा दीजिए वॉयज हॉस्टल का इधर से नज़ारा कैसा होगा। और इस वक्त हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जस्ट मेन गेट जो है वो इस साइड एंटर होती है, वो उस गेट जो है वो कॉलेज के अंदर आती है। प्रिंसिपल सर के चैम्बर के जस्ट बगल यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है। ये गर्ल्स हॉस्टल का भी आपको तो बताया जाएगा, बहुत ही शानदार फैसिलिटीज़ जो इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है बहुत ही मॉडर्न तरीके से किया गया है। और ये जस्ट आपके सामने ये गर्ल्स हॉस्टल आपको नज़र आएगा, ये लड़कियों के लिए सेक्शन है। इसमें लगभग लगभग 200 लड़कियाँ रह सकती है इस राजकीय अभियंतर महाविद्यालय वैशाली के जूनियर सीनियर और सुपर सीनियर्स को मिला के, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है गर्ल्स हॉस्टल। थोड़ा सा जूम करके दिखा देना, इस वक्त फिर आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़ गए हैं। और अब आपको हम डायरेक्ट मात्र एक मिनट के अंदर संस्थान के अंदर प्रवेश कराएंगे। ये जस्ट अभी से जो ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है ये जस्ट संस्थान का बिल्डिंग है। ये राजकीय अभियंतर महाविद्यालय वैशाली का अपना बिल्डिंग है और ये जस्ट यहाँ, और अब डायरेक्ट इसके अंदर घुसेंगे हम एकदम। और जी हाँ अब कॉलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब आपको कॉलेज का सारा लुक्स दिखाया जाएगा। अब यहाँ से ये कॉलेज का छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ से कॉलेज का मेन रूट है जिसके अंदर से संस्थान के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। इस ग्राउंड में क्रिकेट छोटे छोटे गेम्स वगैरह होते रहते हैं, तरह की जो प्रतियोगिताएँ होती है वो होते रहते हैं। और ये साइड में बहुत ही शानदार फुलवाड़ी का आयोजन किया गया है, संस्थान की तरफ से लगाया गया है। और जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का व्यवस्था रहता है, इस साइड भी पार्किंग का व्यवस्था रहता है। ये जस्ट कॉलेज में शानदार बरगद का पेड़ है जिसमें हम लोग झूला झूलते रहते हैं अगर मन नहीं लगता है तो। यहाँ से भी एक ये गार्ड सेक्शन हुआ, एकेडमिक का अपना ये गार्ड सेक्शन रूम हुआ। ये जस्ट उस साइड जो है वो उस साइड से भी एंट्री रहती है, मेन एंट्री गेट वही होता है ये कॉलेज का, लेकिन हम लोग इस गेट से एंट्री किए हैं। ये कॉलेज का गार्ड सेक्शन हुआ और इसमें गार्ड वगैरह रहते हैं। ये रिसेप्शन काउंटर है, ये अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ इसी के सहारे।
ये फर्स्ट फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर का ये स्टेयर रूम, इसी स्टेयर के सहारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सेकंड फ्लोर की ओर जाता है, ये फर्स्ट फ्लोर है। ये कॉलेज का जहाँ झंडोत्तोलन होता है इस जगह पे, और ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल्स के दोस्त हैं। और ये पूरा, ये जस्ट सामने जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, उसके उस साइड फैकल्टीज है, उसके उस साइड प्रिंसिपल चैम्बर, और उसके जस्ट बगल में बॉयज हॉस्टल्स का है। यहाँ से ये मेन गेट है एंट्री का कॉलेज का, और वो सेकेंड गेट है एंट्री का। राजकीय अभ्यंतर महाविद्यालय वैशाली का आप पूरा ब्लॉग मेरे इस चैनल पे देख चुके हैं, और सारा आप लोग को स्टेयर वाइज स्टेयर आप जैसा समझिए कि सेकेंड फ्लोर पे क्लासेस चलती हैं, फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो ऑफिस का बिल्डिंग है, ऑफिस का सारा स्टाफ, रजिस्ट्रार सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, फैकल्टी सेक्शन और प्रिंसिपल चैम्बर है। इसके अलावा जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर है, इसके लैब, प्रैक्टिकल, केवाईपी, मल्टीपर्पज हॉल और सारा चीज़ें आती है। ओके, इस वक्त राजकीय अभियंतरण महाविद्यालय वैशाली के कैंटीन में हम हैं, जिसे कैफेटेरिया कहते हैं, और ये कैफेटेरिया का लुक है। इस गेट से एंट्री करते हैं कैफेटेरिया में, और ये ग्राउंड फ्लोर पर है ये कैफेटेरिया, ये शानदार कैफेटेरिया। ये इसका किचन रूम है, वो उसमें स्टोर रूम है, ये कैफेटेरिया का मेन जगह है। और ये इधर है, ये कैफेटेरिया है।